सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2018 में जो है जो भी नाम परिवर्तित किए गए हैं, चाहे वो किसी स्टेशन का हो या कह सकते हैं किसी शहर का हो, तो इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जो पेपर हुआ करते हैं उनमें बनते ही हैं। तो उन सभी नाम के बारे में जो है हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो बात करें अगर फ्रेंड्स पहले नाम की, तो इलाहाबाद जो है काफ़ी फेमस नाम है, जो ये बदल दिया गया इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का नाम जो है वो बदल कर कर दिया गया है प्रयागराज। तो इलाहाबाद जो है उसका नाम अब हो गया है प्रयागराज। बात करें अगर दूसरे की, तो दूसरा जो है वो फैजाबाद, तो फैजाबाद का नाम बदल कर जो है वो कर दिया गया है अयोध्या। तो फैजाबाद जो है उसका नाम बदल कर कर दिया गया है अयोध्या। बात करें अगर अयोध्या की, तो अयोध्या जो है आप सभी जानते हैं कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है हमारा नया रायपुर। तो नया रायपुर जो है फ्रेंड्स इसका नाम जो है वो बदल कर कर दिया गया है अटल नगर। नया रायपुर का नाम बदल कर कर दिया गया है अटल नगर। और बात करें अगर अटल नगर की, तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन। बात करें अगर मुगल सराय रेलवे स्टेशन, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदल कर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके नाम पर ही क्यों रखा गया है, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय हैं ये इसी स्टेशन पर जो है वो मृत अवस्था में पाए गए थे। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा हजरतगंज चौराहा, जो कि लखनऊ में है, जिसका नाम जो है वो बदल कर कर दिया गया है अटल चौक। हजरतगंज चौराहा जो कि लखनऊ में है, जिसका नाम बदल कर कर दिया गया है अटल चौक। बात करें अगले की, अगला है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका नाम जो है वो बदल कर कर दिया गया है अटल पथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर कर दिया गया है अटल पथ। बात करें अगले की, तो अगला है आगरा एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल कर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल कर कर दिया गया फ्रेंड्स दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। अगला है हमारा कांडला बंदरगाह, जिसका नाम जो है वो बदल कर हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कांडला बंदरगाह नाम बदल कर हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। अगला है फ्रेंड्स हमारा गुड़गांव, जिसका नाम हो गया है गुरुग्राम। ये तो काफ़ी न्यूज़ में ये भी रहा था, तो गुड़गांव का नाम बदल कर हो गया है गुरुग्राम। और लास्ट है फ्रेंड्स हमारा गोरखपुर एयरपोर्ट, जिसका नाम जो है वो बदल कर कर दिया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल कर कर दिया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। तो ये सभी जो है वो प्रमुख रूप से जो नाम चर्चित थे वो सभी में आते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारे वीडियो समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।